स्टूडेंट्स, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अधिकार सत्ता, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार सत्ता एवं उत्तरदायित्व। अपन देखेंगे कि अथॉरिटी क्या होती हैं, अधिकार सत्ता किसे कहा जाता है। जैसे कि अधिकार एवं उत्तरदायित्व में हम जानते हैं कि बहुत ही गहरा संबंध है और इनका संगठन या किसी संस्था के प्रत्येक स्तर पर आनुपातिक रूप होना संगठन की सफलता के लिए आवश्यक होता है। तो बिना उत्तरदायित्व के अधिकार एवं बिना अधिकार के उत्तरदायित्व किसी काम के नहीं, निर्मूल होते हैं। कोई भी प्रबंधक प्रबंध करने में तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि अपने उत्तरदायित्वों के लिए उसके पास समुचित अधिकार नहीं हो। तो इस प्रकार से अथॉरिटी को डिफाइन किया है, अधिकार सत्ता को डिफाइन करते हुए एच ए साइमन ने लिखा है, अधिकार सत्ता निर्णयन की वह शक्ति है जो कि दूसरों की क्रियाओं को निर्देशित करती हैं। अथॉरिटी मे बी डिफाइंड एज द पावर टू मेक डिसीजन विच गाइड द एक्शन ऑफ अनदर। यानी कि अधिकार क्या है, निर्णय की एक ऐसी शक्ति है, एक निर्णय लेने की एक पावर है जो कि किसी दूसरे व्यक्तियों के कार्यों को निर्देशित करते हैं। इसी प्रकार से कुंज ओडोनेल ने इसको डिफाइन किया है, अधिकार सत्ता किसी स्थिति में विवेक को इस प्रकार प्रयोग करने का अंतर्निहित अधिकार है जिससे उपक्रम या विभाग के लक्ष्यों का निर्धारण कर उन्हें प्राप्त किया जा सके। तो इस तरह से कुंज ओडोनेल ने भी कहा है कि अधिकार सत्ता एक अथॉरिटी एक इस प्रकार की स्थिति है जिसमें प्रबंधक या उच्च अधिकारी अपने विवेक के आधार पर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं और उससे संस्था या संगठन के या विभाग के लक्ष्यों का निर्धारण करके उनको सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाते हैं। तो इस आधार पर हम इसकी कुछ विशेषताएं देख सकते हैं, अधिकार सत्ता की विशेषताएं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी। अधिकार सत्ता के अंतर्गत ये क्या है, एक शासकीय पद एवं स्थिति है। अधिकार सत्ता व्यक्ति के शासकीय पद एवं स्थिति से जुड़ी हुई होती है, इसलिए यह सामान्यतः ऊपर से उच्च अधिकारियों से प्राप्त होती हैं और निचले स्तरों से ऊपर की ओर प्रवाहित हो सकती हैं। इसी प्रकार अधिकार, यह एक अधिकार है क्योंकि इसमें दूसरों के आदेश देने, दूसरों की क्रियाओं को निर्देशित करने अथवा आज्ञा का पालन करवाया जाता है और इसी प्रकार यह दूसरों से काम लेने अथवा उन्हें बदलने का अधिकार भी है। बाध्यकारी शक्ति, अधिकार सत्ता क्या है, संगठन की एक बाध्यकारी शक्ति है क्योंकि इसमें अधीनस्थों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे संतोषप्रद निष्पादन करें, अन्यथा इसके लिए उन्हें बाध्य किया जा सकता है। यानी जो उच्च अधिकारी हैं या उच्च प्रबंधक हैं वे अपने सबॉर्डिनेट्स को, अधीनस्थों को काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं और उन्हें संतोषप्रद निष्पादन के लिए प्रेरित भी करते हैं। विषय सामग्री, अधिकार सत्ता में निर्णय लेने, कार्य सौंपने, कार्यवाही करने, दंड देने अथवा पुरस्कार देने का विचार आदि सम्मिलित हैं। इसमें इसकी जो अथॉरिटी की जो विषय सामग्री, उसमें की अधिकार में, क्योंकि ये प्रबंधकों के अधिकार में होता है कि वो विभिन्न प्रकार के डिसीजन लेता है, निर्णय लेगा, फिर कार्यों को डेलीगेट करेगा और कार्यवाही करने, और यदि अधीनस्थ कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें दंड भी देने का अधिकार उनके पास होता है और यदि अच्छा कार्य करते हैं तो वो उन्हें पुरस्कार देने पर भी विचार कर पाते हैं। संस्थागत प्रभाव, अधिकार सत्ता उत्तरदायित्व प्रभाव एवं शक्ति से जुड़ी हुई हैं इसलिए इसको संस्थागत प्रभाव भी कहते हैं। केंद्रीय शक्ति, संगठनात्मक प्रबंध में अधिकार सत्ता एक केंद्रीय यानी सेंट्रल सशक्तिशील
सेंट्रल कोहेंसिव शक्ति के रूप में माना जाता है। निर्भरता, अधिकारसरता निरक्षेप यानी एब्सोल्यूट नहीं है क्योंकि यह अनेक घटकों पर निर्भर करती हैं। वेद शक्ति, अधिकार सत्ता एवं वेद शक्ति हैं इसलिए इसे न्याय संगत बनाती हैं और इसमें निर्णय को आरोपित करने के लिए पुलिस एवं न्यायालय की सहायता भी ली जा सकती हैं। मानवीय व्यवहार, अधिकार सत्ता को मानवीय व्यवहार के संदर्भ में भी देख सकते हैं। इसका कारण है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी नहीं है अपितु एक ऐसी चीज़ है जिसका विश्लेषण और अध्ययन मानव क्रियाओं में ही किया जाता है। इसी तरह से वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिपरकता, अधिकार सत्ता अथॉरिटी एक वस्तुनिष्ठ होते हैं किंतु उनके उपयोग के समय नहीं चाहते वे भी व्यक्तिपरकता आ जाते हैं यानी पर्सनल जो डायरेक्शन है वो इसके अंदर आ जाते हैं। जबकि अथॉरिटी का कार्य या अथॉरिटी का तात्पर्य होता है कि एक इस प्रकार से अपने अधिकार का उपयोग करना जिससे संस्था का या संगठन का विकास हो और संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता हो। तो इस तरह से हमने अधिकार सत्ता अथॉरिटी के बारे में देखा कि अथॉरिटी क्या होती हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अधिकार सत्ता के प्रकार या प्रारूप, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स।